बैठा एक घड़ी अकेला के आई अब एंटीक पहाड़ी। गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? जल्दी दोस्तों से शेयर कर लीजिए। आँख है बड़ी बड़ी और तुम कैसे हैं आप लोग? टूट गया था, निकल गया। अरे सेम ऐसे उठ गया, मुझे पता चला कि सारा खराब हो। क्या हाल है आप लोग का? जल्दी से रेडी हो जाइए दोस्तों, शेयर कर लीजिए टाइम मिले तो। एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, ठीक है। मौसम भी बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है, लाजवाब है। हाँ तो बताइए कैसे हैं आप लोग? अपने जिगर का कैसे हैं आप लोग? चलिए तो सभी बच्चा लोग जुड़ जाइए जल्दी से दोस्तों, शेयर कर लीजिए। कैसे हैं आप लोग? जल्दी बताइए। ऐसे ठीक था या इसको हटाने पर? ठीक है, ऐसे ही ठीक लग रहा है। हाँ चलिए, क्या हाल चाल है आप लोगों का? मुंह इज काला, मुंह काला हो गया। अरे है क्या बात है। चलिए तो जल्दी से दोस्तों शेयर कर लीजिए, फिर आगे की वार्तालाप चलता रहेगा। लाइट को ठीक कीजिए ना सर। बिल्कुल लाइट ठीक हो गया, रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, अम्ब्रेला नहीं दीजिएगा। अरे कहे नहीं देंगे भाई, जान दे देंगे, अम्ब्रेला क्या चीज़ है। रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, फ्रेश में नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, कैमरा पे पानी, हाँ एक मिनट, गुड। रुक जाओ, हम तो ये सोचे ही नहीं है। उठ रहे यार, कैमरा पे एक मिनट भाई, सही बोले हो, कैमरा गंदा हो गया। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। हाँ तो कैसे हैं आप लोग? चलिए सर, मेरा एक महीना क्लास छूटा हुआ है। अरे कोई बात नहीं है सर, आपका फेस अच्छे से नहीं दिख रहा है, अब दिखे? देखो चलिए, तो नाश्ता वास्ता हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बता दो। नहीं नाश्ता पूछ रहे, वास्ता नहीं पूछ रहे, ठीक है।
चलिए एडमिशन करा लिए, छाता नहीं दिए सर आप मैच नहीं देते। अरे भैया मैच क्या सीख है, लेकिन क्या करे, आपका भी तो मैच होने वाला है ना फरवरी में, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है भाई, है कि नहीं। अच्छा सब हो गया, नाश्ता वास्ता सब हो गया, चलिए क्या बात है। तो बच्चा लोग आज वार्तालाप तो चलता रहेगा, चलो देखिए तो क्लास तो चलता रहेगा। आज क्या पढ़ने वाले प्रॉपर वे में, आज क्या पढ़ाई होगा उसको समझिए आप। आज पढ़ाई होने वाला है आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चीजें, ठीक है। और जब तक क्लास समाप्त ना हो तो जिसका भी छूटा है पूरा का पूरा माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट रखेगा, 100% आपको समझ में आएगा ही आएगा, वादा है मेरा। बट कॉन्सेंट्रेट, अब ऐसा नहीं कि मैं मतलब पढ़ रहे हो और फिर स्कोर भी देख रहे हो आईपीएल का, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए तो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, प्यार वाला गुड इवनिंग। बच्चा लोग रेडी हो जाएं। अब क्या है तो पहला चीज देखते हैं, देखिए पहला क्या है, ध्यान सुनिएगा। हम आज रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं, किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस पोर्शन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज अपन लोग किसको कवर करेंगे, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे, ठीक है। पूरे पूरे आज बेसिक केमिस्ट्री को ही कवर करने वाले हैं, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। तो चलिए अब हम वार्तालाप करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला बात, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें सबसे पहला वर्ड समझिए, ये ऑर्गेनिक वर्ड आया कहां से, देखिएगा ऑर्गेनिक वर्ड आया कहां से। ऑर्गेनिक वर्ड जो आता है, डेराइव आता है, वो ऑर्गन से आता है। कहां से आता बच्चों, ऑर्गन, और ऑर्गन मतलब क्या होता है, अंग, मतलब ऑर्गन का मतलब हो गया पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी। देखिए तो मतलब अपन लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले केमिस्ट्री को छोड़िए, पहले ऑर्गेनिक समझें कि ऑर्गेनिक वर्ड एक्चुअली आया कहां से। तो ऑर्गेनिक वर्ड कहां से आता है, ऑर्गन से, और ऑर्गन का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब शरीर। आपके बॉडी में जितने भी पार्ट पुर्जा कल्प पुर्जा है वह सभी में हम लोग जितनी भी चीज दिनचर्या में करते हैं सब में, खाना खाते हैं, सोते जागते, कपड़ा पहनते हैं, एवरीथिंग में इंक्लूड होता है कौन सी, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना ज्यादा चाहिए, मतलब हम लोग का फुल्ली लाइफ अब डिपेंड हो गया है कौन सी पे, ऑर्गेनिक पे, बिकॉज ऑर्गेनिक वर्ड कहां से है, ऑर्गन से, और ऑर्गन का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी। देखिए सबसे पहला बात, ये बात उन दिनों की है जब हम और आप लॉन्च में नहीं हुए थे, तो साइंस उतना डेवलप नहीं था, तो साइंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, पूरे केमिस्ट्री में, पूरे यूनिवर्स में दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक का नाम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक का नाम होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दो तरह के कंपाउंड ही है, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है समझिएगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जो लिविंग सोर्स से आएगा, लिविंग सोर्स से जो आएगा, मतलब जो जीवित वस्तुओं से, जीवित वस्तुओं से जो कंपाउंड आता है वैसे को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जिसमें जान हो, प्राण हो, और वहां से जो कंपाउंड आता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे आप समझिए फॉर्मिक एसिड, ये कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये कहां से आता है, तो लाल चिट्ठी के पंख से, रेड एंट, लाल चिट्ठी से आता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यूरिया की, बात कर लेते हैं,
यूरिया कहां से आता है? एनिमल, एनिमल यूरिन से आता है। अब आप बताइए हमको, क्या एनिमल जानवर के मल मूत्र से क्या आता है यूरिया? तो क्या इसमें जान प्राण है कि नहीं? बिल्कुल सर, जान प्राण है। लाल चिट्टी, क्या उसमें जान प्राण है कि नहीं? बिल्कुल जान प्राण है कि नहीं? अब देखिए यहां पर एक और एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, और वो एग्जाम्पल है, ध्यान सुनिएगा। अब एक और ले लीजिए, सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स से आता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। बहुत बच्चों को देखिएगा, बात करते करे मसूरों से ब्लड आ जाता है, तो इसे ब्रश किए, ब्लड आ गया, मसूरों से ब्लड आ जाता है। ऐसा मत सोचना कि मुंह से ब्लड आता है, फिर मैटर गड़बड़ा जाएगा। तो ब्रश करने के दौरान क्या होता है ना, मसूरों से ब्लड आ जाता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बॉडी में विटामिन सी की कमी है। तो बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो खट्टे फल खाइए, और खट्टे फल का अगर आप सेवन कीजिएगा, खट्टे फल का अगर आप सेवन कीजिएगा तो बॉडी में विटामिन सी मिलेगा, और विटामिन सी मिलते ही आपका जो मसूरों से ब्लड आता है उसकी समस्या दूर हो जाएगी। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन चीज होता है, जो हम अपने लाइफ के बारे में पूरा का पूरा फुल्ली स्टडी इसके बारे में जानते हैं, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, अगर किसी चीज की कमी है उसको दूर कैसे किया जाएगा, कंप्लीट यहां पर आपको मिलेगा। अब देखिए बच्चों, तो सिट्रस फ्रूट्स आंवला खाइए, खट्टे फल खाइए, विटामिन सी मिलेगा। अब ये सिट्रस फ्रूट से क्या आया है? सिट्रिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जो लिविंग चीज से आता है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक क्या है? तो ये नॉन लिविंग सोर्स से आता है, नॉन लिविंग सोर्स। अब ये नॉन लिविंग सोर्स क्या है? जिसमें जान प्राण ना हो, जैसे रॉक, चट्टान, जैसे लाइम स्टोन, लाइम स्टोन चूना पत्थर, जैसे मिनरल्स, मिनरल्स। अब मिनरल क्या है? आप मैट्रिक पढ़े, खनिज, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेटाइट, है ना, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस। तो ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें जान प्राण ना हो, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो थॉट था, ये थॉट पहले दिया किसने, बात समझिएगा, ये थॉट कि अगर आपसे कोई पूछे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है तो क्या बोलोगे? कि भैया जो जीवित वस्तुओं से आता है, जिसमें जान है प्राण है, वहां से अगर कोई कंपाउंड आ रहा है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो नॉन लिविंग सोर्स से आ रहा है जिसमें जान प्राण ना हो और वहां से अगर कोई कंपाउंड आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब इस बात को कहा किसने? तो इस बात को कहा था हमारे पहला थ्योरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, वाइटल फोर्स थ्योरी। कौन सा थ्योरी बच्चों? वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी, देखिए ध्यान सुनिएगा, अब ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, सबसे पहला बात सर ये बताओ आप वाइटल फोर्स क्या है? पहले तो आप हमको ये समझाइए सर कि ये वाइटल फोर्स है क्या, ठीक है, फिर आप आगे बढ़िएगा। पहले तो हमको ये बताइए कि वाइटल फोर्स क्या है, ठीक है। तो देखिए, हम आयनिक फोर्स सुने हैं, कूलंबिक फोर्स सुने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सुने हैं, शेयरिंग फोर्स सुने हैं, ये वाइटल फोर्स क्या होता है पहले इसको समझा जाए ध्यान से। सबसे पहला बात, ये जो थ्योरी दिया था वो बर्जेलियस ने दिया था। किसने दिया था? बर्जेलियस ने दिया था। कब दिया था भाई? 1815 में दिया था, ठीक है, और 1815 में दिया था। और ये कहां के वैज्ञानिक थे? तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, ये स्वीडन के रसायन शास्त्र थे, स्वीडन के। कहां इनका घर है बच्चों? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1815 में एक थ्योरी दिया था, ठीक है, इसलिए इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, इसे फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। किसको? बर्जेलियस को, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसे जनक भी कहा जाता है। तो सबसे पहला बात, भाई इन्होंने क्या कह दिया, अरे क्या चीज कह दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका धार चलता था। तो इन्होंने ही कहा था, देखिए इन पहले तो समझ लिए वाइटल फोर्स क्या है, इन्होंने क्या कहा सुनिएगा ध्यान से।
कि लैब में, ध्यान सुनना बच्चों, इन्होंने क्या कहा, लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा, लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। कहां नहीं बनेगा बच्चों? लैब में। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना ही नहीं सकते हो आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बउआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बच्चा लोग प्राप्त कर सकते हैं लिविंग सोर्स से, लिविंग सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ कहां से ला सकते हैं? लिविंग सोर्स से, लिविंग सोर्स से। जैसे अभी मैंने बताया रेड एंट फॉर्मिक एसिड, रेड एंट से फॉर्मिक एसिड, एनिमल यूरिन से यूरिया, सिट्रिक एसिड खट्टे फल से। तो इन्होंने कहा इस सब में क्या बचो, जान प्राण है, और यहां सिर्फ लिविंग सोर्स से ही जो कंपाउंड आएगा उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो कोई पूछे कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है, तो आप कहना कि वाइटल फोर्स थ्योरी कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में नहीं बना सकते हैं। भाई क्या ऐसा चीज है भाई जो ये लैब में नहीं बन सकता है? तो पहले तो वाइटल क्या ऐसा चीज है उसको समझिए। आप देखिए, जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, लिविंग सोर्स, जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, और सब के सेल में, सेल के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में एक रहस्यमय बल होता है, एक मिस्टीरियस फोर्स है, एक रहस्यमय बल है, और इसी रहस्यमय बल को कहा जाता है वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स मैंने समझ लीजिए, जैसे आप जीवित वस्तु है तो क्या आपको लैब में बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनेगा भाई। क्या हम लैब में बनेंगे? अरे भैया मम्मी पापा से जन्म लिया भैया, हमको लैब में कैसे बनाएंगे? क्या आप लैब में बनिएगा? नहीं। तो भाई काहे? तो सुनिएगा आंसर, जीवित वस्तुओं से जो कंपाउंड आएगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यही बात कहा था वाइटल। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे का क्या थॉट है? तो उन्होंने कहा जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उन सभी के सेल के न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में एक रहस्यमय बल है, मिस्टीरियस फोर्स है, और उसी मिस्टीरियस फोर्स को क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स। इसका मतलब ये वाइटल फोर्स सिर्फ कहां पाया जाता है? लिविंग सोर्स में। ये वाइटल फोर्स कहां पाया जाता है? लिविंग सोर्स में। इसका मतलब जीवित वस्तु को हम लैब में नहीं बना सकते थे। अगर कोई पूछे कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में नहीं बना सकते हैं। भाई क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि इसमें ना एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जो जीवित वस्तुओं में ही पाया जाता है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी का ये लेखा जोखा है। लेकिन ठीक, ध्यान सुना बुआ, लेकिन ठीक ओहलर, ये भाई साहब जर्मन के हैं। कहां के हैं? जर्मन के वैज्ञानिक है, जर्मन केमिस्ट है, जर्मन के वैज्ञानिक। और इन्होंने 1828 ईस्वी में, एक्चुअली ये कर रहे थे कुछ और हो गया कुछ और, कोइंसिडेंट। लेकिन देखिए क्या क्या इन्होंने, समझिएगा, इन्होंने लैब में दो चीजों को लिया, एक पोटेशियम साइनेट, दूसरा अमोनियम सल्फेट। इन्होंने दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लिए, एक पोटेशियम साइनेट और दूसरा अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अभी देखिए क्या हो रहा है, वाइटल ओहलर थ्योरी क्या है, तो ये जर्मन के वैज्ञानिक है, 1815 में आए थे, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिच ओहलर, ठीक है। अब इन्होंने किया क्या, तो पोटेशियम साइनेट इन्होंने दो कंपाउंड लिया, कितने कंपाउंड लिया बच्चों? दो कंपाउंड लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। कहां लिया? लैब में लिया। तो इसमें दो चीज था, एक था पोटेशियम, दूसरा है साइनेट, के पर प्लस सी एन, इसका नाम क्या है? अमोनियम।
अमोनियम, और इसका क्या नाम है, सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। इन्होंने लैब में दो कंपाउंड लिए, एक पोटेशियम साइनेट, दूसरा अमोनियम सल्फेट, और इस दोनों कंपाउंड को उन्होंने लैब में गर्म करा। अब गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस है, कहां जाएगा, माइनस के पास, तो क्या बन गया बच्चों, K2SO4, अच्छी बात है। और ये माइनस है, कहां जाएगा, प्लस के पास। आपके फिजिक्स वाले सर पढ़ाते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, समान चार्ज एक दूसरे को विकर्षित करता है और असमान चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो अगर ये माइनस है तो किसको अटैक करेगा, भाई प्लस को अटैक करेगा, तो प्लस को अटैक करके इन्होंने क्या किया, पोटेशियम साइनेट बना दिया, सॉरी अमोनियम साइनेट, क्या बना दिया बच्चों, अमोनियम हाँ साइनेट बना दिया। अब इन्होंने अमोनियम साइनेट को यहीं पर, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ बुआ, अब इन्होंने अमोनियम साइनेट को पुनः हिट किया, या इसको आप कह सकते हैं रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट मतलब पुनः इस चीज को उन्होंने सजाया। अब सजाया तो क्या सजाया, देखिएगा, इन्होंने कार्बन को ले लिया सेंट्रल एटम, अच्छी बात है, फिर ऑक्सीजन हो गया डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन दो है H, इधर भी H, देखिए तो कार्बन एक, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन कितना, एक दो, हाइड्रोजन कितना, चार, एक दो तीन चार। अब इन्होंने इन्हीं चीजों को इन्होंने अरेंज कर दिया, अरेंज मतलब सजाया, तो सजाया तो CONH2 का होल्ड आ गया, और ये है क्या, अरे भैया ये तो यूरिया है, क्या है। तो जैसे ही इन्होंने लैब में इनऑर्गेनिक के सहायता से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, और जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना बच्चों, वाइटल फोर्स थ्योरी का तो रैंड बैंड हो गया, मतलब वो थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। तो 1828 ईस्वी में ध्यान सुना, फ्रेंडलिच नामक वैज्ञानिक ने पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट को प्रयोगशाला में दोनों को गर्म किया, गर्म करने के तत्पश्चात उन्होंने क्या बनाया, पोटेशियम साइनेट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हटाइए। अब इन्होंने उनको पुनः अरेंजमेंट किया, तत्पश्चात इन्होंने क्या पाया, यूरिया का फॉर्मेशन आया, और जैसे ही यूरिया का फॉर्मेशन हुआ तो यह थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। तो भैया गुरु गुड़ चेला चीनी हो गया, उनका थ्योरी फेल हो गया। लेकिन इन्होंने एक क्रांति ला दिया, इन्होंने एक क्रांति की शुरुआत करा बच्चों, जबरदस्त क्रांति उन्होंने लेकर आया, और बात यहां नहीं रुका, बात आगे बढ़ता चला गया, और जैसे जैसे समय बीतता गया बुआ, सुनिएगा ध्यान से, 1828 में ये आया, 1845 में एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, 1854 में आपको मीथेन का फॉर्मेशन हुआ, ये सारा, एंड नाउ अ डे अ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन बी फॉर्म इन द लैब। और आज के दिन आप कोई भी चीज, भाई साहब एक बाय में बात बता रहा हूं, एक दिन में 1500 कंपाउंड अगर पूरे ब्रह्मांड में बनता है, पूरे दुनिया में बनता है, उसमें सिर्फ 1200 जो कंपाउंड होते हैं वो कार्बन कंपाउंड होते हैं, एंड द ऑल कंपाउंड आर फॉर्म इन द लैब। सारा का सारा कंपाउंड कहां बन रहा है बच्चों, लैब में बन रहा है। तो इन्होंने क्रांति लाया, एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन बी फॉर्म इन द लैब, मतलब लाखों करोड़ों कंपाउंड अब कहां बनते हैं, लैब में, कोरोना का वैक्सीन हो, एवरीथिंग, मतलब इन्होंने एक क्रांति ला दिया। 1828 में जो इन्होंने क्रांति लाया वो आगे एकदम बड़ा सा क्रांति बन गया, एंड द सो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। वाइटल फोर्स थ्योरी जो कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते हैं, लेकिन ओहलर ने इस थ्योरी को क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब आपको यहां दो बातों पर ध्यान रखना है, पहला, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एलिमेंट के सहायता से किस कंपाउंड को लैब में बनाया गया था फर्स्ट टाइम, एलिमेंट, तो एलिमेंट के सहायता से वह एसिटिक एसिड है लैब में, और मीथेन है। एसिटिक एसिड
कोलबे ने बनाया था और मीथेन गैस का बर्थलेट ने बनाया था, बर्थे लॉट ने बनाया था और इस कोलबे ने बनाया था। किसने बनाया था? कोलबे ने। तो एलिमेंट कैसा आया था अगर पूछे था तो एसिटिक एसिड और मीथेन का निर्माण लैब में। एलिमेंट के सहायता, अगर कंपाउंड के सहायता से कहा जाए तो यूरिया, यहां घुमा देगा कि कौन ऐसा कंपाउंड है जो लैब में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था एलिमेंट के सहायता से, तो एसिटिक एसिड एंड मीथेन, ठीक है। और अगर बोला कंपाउंड के सहायता से या नहीं बोला, सीधे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लैब, तो क्या बोलोगे? यूरिया बोलोगे। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गया? यस और नॉट? जल्दी बताइए, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। वाइटल फोर्स थ्योरी तक फिर आगे चलेंगे हम। जल्दी बताइए, यस और नो, यहाँ तक ठीक है? यस और नो, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े? चलिए, नो प्रॉब्लम ना भैया, दिक्कत है? क्या दिक्कत है भैया, बोलिए, बिंदास बोलिए। यस सर, एक बार और बोल देता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वर्ड ऑर्गन से आया है और ऑर्गन का मतलब एकदम रैपिड फास्ट। ऑर्गेनिक वर्ड ऑर्गन से आया है, ऑर्गन का मतलब है पार्ट ऑफ बॉडी, सही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब पूरे ब्रह्मांड में दो तरह कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जो लिविंग सोर्स से आता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और जो नॉन लिविंग सोर्स से आता है उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। लिविंग सोर्स मतलब लाल चींटी के पंख में फॉर्मिक एसिड हो गया, है कि नहीं, खट्टा फल हो गया, सिट्रस एसिड हो गया, खट्टे फ्रूट से आता है, एनिमल यूरिन से यूरिया आता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जान प्राण न हो वहाँ से आता है उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जैसे मिनरल हो गया, रॉक हो गया, है कि लाइम स्टोन हो गया। पहला आता वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जिलियस ने दिया था, उन्होंने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते, लेकिन उसी का चेला ओहलर ने यूरिया बना करके इस थ्योरी को गलत कर दिया। कंपाउंड के सहायता से लैब में कौन बनता है? तो यूरिया। और एलिमेंट के सहायता से कौन बनता है? तो एसिटिक एसिड और मीथेन गैस। चलिए, यहां तक हम लोग बढ़ गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, क्या है समझिएगा। अब ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, अभी जो आपने देखा ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या आता है, देखिए यहां पर एक वर्ड है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है भाई, तोड़िए। हाइड्रोकार्बन दो वर्ड है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन मतलब जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिस कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे देखो ये क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन है। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो बताइए तो ये क्या है सर, आप बेवकूफ है, ये कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बहुत अच्छी बात है सर, मॉडर्न कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब इसमें से आप क्या करो, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, एक हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है। चलो सर हटा दिए, अब इसके जगह पर आप क्या करो, कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो, या तो अल्कोहल जोड़ दो, ठीक है, या तो आप कोई भी अमाइन जोड़ दो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो, ठीक है। हाइड्रोजन हटाइए, तो जब हाइड्रोजन आप हटाइएगा तो क्या आएगा बच्चों, CH3। और हाइड्रोजन हटा है तो एक फ्री बॉन्ड होगा, अच्छी बात है। और उसके बाद अगर आप OH जोड़े हुए तो यहां क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अगर NH2 जोड़ोगे तो CH3 और NH2 हो जाएगा। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बना है तो ये तो हाइड्रोकार्बन है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन रहे, सल्फर रहे, हैलाइड रहे, हाँ अगर नाइट्रोजन रहे, तो इसे हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बच्चों? डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन कार्बन है, अगर हाइड्रोजन और कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोजन कार्बन के साथ साथ सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, हैलाइड, हैलाइड होगा, ये सबको कहेंगे डेरिवेटिव। अब देखो किसे कहते हैं,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? अब पहले तो कहा जाता तो आपको मैं बता दिया हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कहा जाता था स्टडी अबाउट मेनली कार्बन। अब यहां समझो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब विज्ञान का वह शाखा केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में, केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहेंगे बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इस दोनों को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है तो आप कहोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्या है तो हाइड्रोकार्बन है तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आपसे कोई पूछे भाई ये क्या है, आप बोलना ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आपसे कोई कहेगा भाई ये क्या है, आप बोलना ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड है, सब बच्चा कहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन होगा, कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो देखो टॉपिक क्या है, कुछ कार्बन कंपाउंड बच्चों ध्यान सुनिएगा, कुछ कार्बन कंपाउंड विच आर नॉट ऑर्गेनिक नेचर, मतलब कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक नेचर का नहीं होगा। जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन है बट ये ऑर्गेनिक नेचर का नहीं है, इनऑर्गेनिक नेचर का है। हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब में कार्बन है बउआ, सब में क्या है, कार्बन है बट नॉट ऑर्गेनिक नेचर, दिस इज इनऑर्गेनिक नेचर। ये किस नेचर का है, इनऑर्गेनिक नेचर का है बच्चों। मतलब इसमें जो बिहेव है, इसका जो प्रॉपर्टी है, वह किसके तरह काम करेगा, इनऑर्गेनिक के तरह काम करेगा। तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें कार्बन तो है बट ऑर्गेनिक नेचर का नहीं है, वो किस नेचर का है, इनऑर्गेनिक नेचर का है। तो क्या सभी कार्बन वाला ऑर्गेनिक है? बिल्कुल नहीं है भाई, कुछ ऐसे भी है जिसमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन के गुण। अब देखो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं कार्बन 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 चिल्लाते हैं, तो भैया कार्बन में क्या ऐसा गुण है, कौन सा ऐसा गुण है जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ एक ही बंदा पर डिपेंड है, वह है कार्बन। तो अगर ऐसा गुण है तो पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डील करते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वह टेट्रा वैलेंसी है। टेट्रा मतलब ऐसे समझो, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब पांच, हेक्सा मतलब छ। अब यहां पे अपन ने क्या बताया कि ये टेट्रा वैलेंसी, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी एक दो तीन चार। कार्बन का पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ये कौन सा वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी, मतलब इसकी वैलेंसी कितना होती है, चार होती है। कितना होती है, चार होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ते हैं तो मेनली हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग किस बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, किस बॉन्ड के बारे में। आयोनिक बॉन्ड भी होता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, मेटालिक बॉन्ड भी होता है। तो हम, मेरा टॉपिक है
कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस बॉन्ड के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला बात, ये जो बॉन्डिंग है बच्चा, ये जो बॉन्डिंग है, ये दो टाइप के बॉन्डिंग होते हैं, मेनली दो टाइप के बॉन्डिंग होते हैं। एक कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और एक होता है बच्चों आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आराम सुनिएगा, बढ़िया सुन रहिएगा। देखो, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ये बिटवीन टू नॉन मेटल्स, ये दो नॉन मेटल के बीच में आपको मिलेगा। कहां मिलेगा बच्चों? दो नॉन मेटल के बीच में। और ये जो मिलेगा बच्चों बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में मिलेगा। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड कहां मिलता है बच्चों? थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, दो नॉन मेटल के बीच में। और आयोनिक बॉन्ड कहां मिलता है? तो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में। जैसे NaCl एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। देखो NaCl एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, एंड दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, है ना। अब यहां पर मैटर गड़बड़ाएगा, कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन, कार्बन अब ये भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, और ये भी क्या है? नॉन मेटल है। और दोनों क्या है बच्चों? नॉन मेटल। इसका मतलब इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस बॉन्ड को आप पढ़ते हैं वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। 99.9% जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो पहला बात, अगर आपसे पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस बॉन्ड के बारे में हम लोग मेनली पढ़ते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड भी 0.01% में कहीं हो जाए, आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, RMgX का मतलब से मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, पॉजिटिव होगा तो इस पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, मेटल है तो कार्बन, तो क्या अभी R का मतलब कार्बन समझ ला, R का मतलब कार्बन समझ। आप बताओ मैग्नीशियम प्लस कार्बन माइनस, तो ये कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है। तो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, बट इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे मैंने ये बताया CMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। अब आप बताओ Mg पर होता है प्लस चार्ज, तो इस पर क्या होगा? बिकॉज मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल आपको कार्बन पर नॉन मेटल, अब मेटल नॉन मेटल कौन बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। तो कुछ ऐसा भी केस आएगा जिसमें आप आयोनिक भी हो सकता है, बट बहुत कम, बहुत कम। तो अगर आपसे कोई पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, बिकॉज कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कैटानेशन प्रॉपर्टी। देखिए हिंदी में कहते हैं श्रृंखला गुण। कौन सा गुण? श्रृंखला गुण। ये श्रृंखला गुण क्या है भाई? अब सुनो ध्यान से, अपना बिहार में एक बार दारूबंदी के लिए मानव श्रृंखला हुआ था। तो मानव श्रृंखला क्या है? एक मानव दूसरे मानव से, दूसरे मानव तीसरे मानव से, तीसरा मानव चौथा मानव से आपस में जुड़कर एक लंबा चेन बनाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मानव श्रृंखला बोलते हैं। तो यहां तो कैटानेशन प्रॉपर्टी है, तो सी 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 को समझ में आ रहा हुआ? अपने अपने में जुड़कर एक लंबा चेन बना दो, कार्बन कार्बन में जुड़कर एक लंबा चेन बनाता है, इसी गुण को हम क्या कहते हैं? कैटानेशन प्रॉपर्टी। ये सभी के सभी क्या है बच्चों? कैटानेशन प्रॉपर्टी है। कार्बन कार्बन अपने में जुड़कर कार्बन कार्बन, इस गुण को क्या कहते हैं? कैटानेशन प्रॉपर्टी। पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर कैटानेशन है तो वो कार्बन का है। ये क्या है भाई? अरे भैया ये भी कैटानेशन है, थक जाओगे छोड़ दो, थक जाओगे छोड़ दो। कार्बन 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 जुड़ा रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? कैटानेशन प्रॉपर्टी। और सबसे ज्यादा कैटानेशन प्रॉपर्टी किसका होता है? तो कार्बन का होता है।
बोलो यहाँ तक सही है, चलिए यहाँ तक सही है, ओके सर लाइट आ रहा है, अच्छा हाँ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, लाइट आ रहा है तो बस हम देख लेते हैं। चलिए तो अब बताइए यहाँ तक ठीक है, एस और नो बता दे भाई, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है भाई। चलिए कैटनेशन का मतलब, कैटनेशन का मतलब अपने अपने से जुड़ा रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब यहां देखिए मल्टीपल बॉन्ड, बड़ा अच्छा टॉपिक आ गया। मल्टीपल बॉन्ड का क्या मतलब है सुनिएगा ध्यान से, मल्टीपल बॉन्ड देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। इसमें खास गुण है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अब बच्चा ये जो सिंगल बॉन्ड है तो इसकी कुछ लंबाई होगा, बॉन्ड लेंथ कुछ ना कुछ तो ये लंबाई है, तो देखा गया 1.54 एंगस्ट्रम है। ये तो डबल बॉन्ड है, इसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, 1.34 एंगस्ट्रम है, और ये तो ट्रिपल बॉन्ड है 1.20 एंगस्ट्रम है। और आप सब जानते हैं एक एंगस्ट्रम बराबर 10^-10 मीटर होता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की जो लंबाई है 1.54 एंगस्ट्रम है। अब एक चीज और आपको याद रखना है नोट में, समझिएगा, अगर मान लीजिए एक कोई एटम है, एक कोई एटम है, मान लीजिए एक कोई एटम है, एक कोई एटम है, मान लीजिए एक कोई एटम है, एक कोई एटम है, ठीक है, तीन बॉन्ड से दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में तीन से ज्यादा बॉन्ड नहीं होता है। अब यहां पे देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड नहीं होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, जहां भी डबल बॉन्ड देखना उसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई होते हैं और एक सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड जो होगा एक होगा, पाई बॉन्ड जो होगा वो भी एक होगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या है वह एक होगा और पाई बॉन्ड की जो संख्या है वो दो होगा, ठीक है बच्चों। तो ये कार्बन का एक फैसिलिटी है कि ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। एक लड़का का क्वेश्चन रहता कभी कभी कि व्हाई कार्बन एटम फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन में कौन सा गुण है जिसके कारण सबसे ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो बोलना टेट्रावैलेंसी और कैटानेशन प्रॉपर्टी के कारण, किसके कारण, टेट्रावैलेंसी और कैटानेशन प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। अब आ गया ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, सबसे पहला बात ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखिए 11th में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 में, 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो पहले ही समझिए ऑर्बिटल चार होते हैं एस पी डी एफ, मतलब मान लीजिए एक एस ले लो और एक पी ले लो और दोनों को मिक्स कर दो तो क्या आएगा एस पी, और इसी को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आप आपस में मिक्स करना है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल एस ले लो पी ले लो डी ले लो या एफ ले लो, ठीक है, चार एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और चारों का जो एनर्जी होता है वो अलग अलग होते हैं, किसी का ज्यादा किसी का कम, एस का कम पी से, पी का कम डी से, डी का कम एफ से, चारों डिफरेंट एनर्जी लेवल को मिला दो, तो मिलाइएगा तो क्या बनेगा हाइब्रिडाइज एस पी, जो बनेगा प्रोडक्ट जो आएगा वो हाइब्रिडाइजेशन है। अब मैटर अब ये कह रहा है बच्चों कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको अच्छे से समझते हैं, तो कार्बन के पास पहला समझिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ
सिग्मा बॉन्ड, सुनिएगा ध्यान से, और ये है हाइब्रिडाइजेशन। खास बात, कार्बन का हाइब्रिडेशन sp भी होता है, sp2 भी शो करता है और sp3 भी शो करता है। कार्बन के पास तीन टाइप के हाइब्रिडेशन है, या तो sp, या तो sp2, या तो sp3। तीन टाइप के हाइब्रिडेशन है, sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है। अब sp होने के लिए मात्र दो सिग्मा चाहिए। पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लेता है। सर क्यों भाग नहीं लेता है? क्योंकि पाई बॉन्ड जो होते हैं बच्चों, वो वीक होता है और सिग्मा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहां पे sp के लिए दो सिग्मा, दो एक तीन, इसके लिए तीन सिग्मा और इसके लिए चार सिग्मा की आवश्यकता होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर होगा। क्या होगा बच्चों? लीनियर। इसका जो होगा वह ट्राई गोनल प्लेनर होगा, ठीक है, और इसका जो होगा वह टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल होगा बच्चों, ठीक है। इसके जो बॉन्ड एंगल होंगे 180 डिग्री, 120 डिग्री और 109.5 डिग्री, 28 मिनट। लीनियर का मतलब है इस टाइप का फोटो होगा, ए ए और ये हो गया बी, एंड दिस इज द लीनियर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है ये ट्राइगोनल प्लेनर है, और टेट्राहेड्रल का मतलब है बच्चों दिस फोटो इज द इंडिकेट टेट्राहेड्रल। तो कार्बन के पास तीन तरह का हाइब्रिडेशन होता है, या तो sp, नहीं तो sp2, नहीं तो sp3। अब सब पर इस प्रॉपर वे में तीन तीन चार चार लेक्चर भी है जिस पर खाली सिर्फ क्वेश्चन है, सिग्मा पर, पाई पर, है ना, हाइब्रिडेशन पर, सिग्मा बॉन्ड निकालो, पाई बॉन्ड निकालो। तो लेक्चर देखने के बाद आपके कॉपी में बहुत सारा एग्जांपल भी है, उस एग्जांपल को भी टच करना है, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ कार्बन, आप समझिए इसको ध्यान से, क्या है वर्ड इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कार्बन, बड़ा अच्छा टॉपिक आ गया, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ कार्बन क्या है, समझिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ कार्बन। देखिए पहले ये बताइए सर, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है? मान लीजिए ए कोई एटम है और बी कोई एटम है, ये कोई एटम है और ये भी कोई एटम है, ठीक है, एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, और ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते बच्चों? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही ये बी वाला भैया जो है, बी वाला एटम जो है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, किसको? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को। इसी प्रॉपर्टी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। ऐसा भी हो सकता है ए कोई एटम है, बी कोई एटम है, अब ए खींच रहा हो, इस गुण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है? तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, इस गुण को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। अब आते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, समझिएगा। तो मेरे प्यारे बउआ लोग, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ कार्बन जो होता है वो डायरेक्टली होता है, ध्यान सुनना, हाइब्रिडाइजेशन के, या एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर के। कार्बन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किस पर डिपेंड करता है? एस कैरेक्टर पे। अब एक बात समझ लो, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कार्बन जो होता है वो एसिडिक नेचर के भी समानुपाती है। इसका मतलब जानते हैं बुआ? ध्यान सुनिएगा, एसिडिक नेचर उसका ज्यादा होगा जिस कार्बन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। सर ये एस कैरेक्टर क्या है? तो आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन जो है sp, sp2, sp3, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp, sp2 और sp3 होता है, ठीक है, कार्बन के पास। अब इसमें इस जो मैं समझा रहा हूं बुआ,
इसमें एस भी है पी है, एस भी है पी है। अब आप हमको बताइए परसेंटेज एस किसका ज्यादा होगा, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100। अब दो आदमी मिलके अगर 100 रुपया है तो एक आदमी के पास कितना होगा 50%। यहां तीन भाई साहब मिलके 100 रुपया है, एक भाई साहब एस कितना होगा 33.33%। अगर चार भाई साहब मिलके 100 रुपया तो एस कितना होगा 25%। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो सबसे ज्यादा एस, अब आप बताओ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कार्बन किसका ज्यादा होगा, तो भैया एसपी का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर का मान ज्यादा है, फिर sp2, फिर sp3। और जो कार्बन एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा बच्चों, तो यहां पे बड़ा प्यार से लिखा है कि जिस कार्बन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एसपी का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एसपी में एस कैरेक्टर का मान ज्यादा है, फिर क्या आ जाएगा sp2, फिर क्या आ जाएगा sp3। बोलिए कोई दिक्कत है? तो आपको एकदम कॉमन सेंस लगाना है। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, चलो बच्चा लो, कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ, लाइट तो नहीं है, सही बात है, लाइट नहीं है, बट रुकेंगे नहीं आज हम। अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर देना भैया, देखो लाइक मात्र 19 है, बोलना नहीं चाहिए लाइक करने के लिए, बट आप लोगों को अच्छा लगे तो करना चाहिए बउवा, करना चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ सर, मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, थैंक यू बाबू। हाँ चलिए, हो गया ना, समझ में नहीं आया है। देखो जिसको भी दिक्कत होगा फिर से वीडियो को पीछे कर करके आप पुनः देखिएगा, 100% समझ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ तो अच्छा बताओ, नाश्ता वास्ता हुआ कि नहीं हुआ? देख सबसे पहले क्या करना है, मोबाइल भी देखो और रोटी भी बनाओ, खाना भी बनाओ, टाइम बच जाएगा। एक बार और सर प्लीज, बिल्कुल समझा देते। चलिए, नहीं सर, नहीं सर आया है समझ, बिल्कुल आई हैव नो प्रॉब्लम इतैशी, एनी वे रहने दीजिए सर, सर क्लियर नहीं है, बहुत अच्छा से फर्स्ट चैप्टर छूटा हुआ, अरे चैप्टर बटन नहीं छूटा सर मेरा केमिस्ट्री में, थैंक यू एसटीएम रुपेश। खाना बनाना है अभी, पता है हम नाश्ता भी नहीं किए हैं। ठीक है, आपको लग रहा है, क्योंकि जब तक देखो जब तक रगड़ोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। आप एक बात बताओ, अगर आपको कोई कह दे कि आपके बॉडी में ब्लड की कमी है, एकदम आप टेंशन में आ जाओगे, अरे मेरे बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी आ गया, खून की कमी आ गया, अब हम क्या करें। अब एक बात बताओ, एक दिन में गाजर खा लोगे, बहुत सारा गाजर खा लोगे, बहुत सारा चुकंदर खा लोगे, क्या डायरेक्ट खून बन जाएगा? नहीं। तो अगर आपके अंदर में एक इच्छा जगा है कि बॉडी में जो ब्लड की कमी है उसको हर हाल में पूरा करना है, तो आपका एक अब एम बन गया कि हमको हर हाल में उसको कंप्लीट करना है, जो कमी उसको दूर करना है। उसी प्रकार अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट लाना है तो एक दिन के मेहनत से ही आप नहीं टॉपर बन जाओगे, आपको कंटिन्यूसली उस राह पे चलना पड़ेगा, आपका पूरा डेडिकेशन वहां होना चाहिए, तब जाके आपका एक एक नंबर से रिजल्ट बढ़ता है और एक एक नंबर से टॉपर बनता है। बात समझिएगा, जिस तरह से बॉडी में कोई भी खराबी आता है तो आप डायरेक्ट नहीं ठीक कर सकते हो, टाइम लगता है, उसी प्रकार रिजल्ट में अगर चमकना है, नसीब को चमकाना है, जॉब को पाना है, तो तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, तब जाके मेरे प्यारे भाई रिजल्ट आता है, ऐसे रिजल्ट नहीं आता है भाई। ठीक है, हमको भी भूख लगा है, बट हम सोच रहे हैं कि खत्म करके जाएंगे आज हम, बिल्कुल समझा रहे बाबू। ठीक है, ओके, हाँ हाँ वो तो है, नेट खत्म हो जाएगा और उसके बाद यूट्यूब देखोगे, उसके बाद व्हाट्सएप चलाओगे, इसके लिए नेट थोड़ी ना खत्म होगा। कब तक पढ़ाना है सर? बस 5-6 पेज और है। कब तक? अप्रोक्स 10 बजे तक। हाँ नेट खत्म हो सर, प्लीज सर एक बार और, बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा भाई,
ओके चलिए, जा बेवफा जा तुझको भूला, वादा किया हंसाने का मुझको रुला दिया, जा ऑर्गेनिक तुझको भुला दिया। देखिए इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, तो सिंपल बात मैं ये बताया कि ए है बी है, कोई एटम है, कोई भी एटम है, आई डोंट नो कोई भी एटम है, ठीक है, तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। तो अगर बी खींच रहा है इसका मतलब बी का जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वो ज्यादा होगा, तो ये जो खींच खांच होता है इसी गुण को कहते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ठीक है। अब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है वह एस कैरेक्टर के क्या होता है, डायरेक्टली होता है एस कैरेक्टर के। भाई ये एस कैरेक्टर क्या है भाई, उसको पूछ, जिस कार्बन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, कार्बन के पास तीन टाइप के होते हैं, एसपी, एसपी टू, एसपी थ्री। अब बंदा एक बात बताओ, यहां कार्बन एस पर डिपेंड है तो अपन चर्चा सिर्फ एस पर किए, पी पर डिपेंड रहता फिर अपन पी पे करते हैं, कि नहीं। तो एसपी में परसेंटेज 100, दो भाई साहब मिलके 100 है तो एक कितना होगा 50, तीन भाई साहब मिलके 100 है तो एक का कितना होगा 33.33, चार भाई साहब मिलकर के 100 है तो एक का कितना होगा 25। एक मिनट, ए बोला बोला, पानी भेज देता। हाँ देखिए अब क्या करना है बच्चों, कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, अब जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा है, अब सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसका है, एसपी का, इसलिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज्यादा एसपी वाला कार्बन का होगा। जैसे मान लो ये अगर ऐसा है, मान लो ऐसा है, तो देखो क्या करोगे आप, इसके पास चार सिग्मा है तो ये एसपी थ्री हुआ, और इसके पास तीन सिग्मा है तो ये एसपी टू हुआ, तो किस कार्बन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, इस कार्बन का ज्यादा है, इस कार्बन का कम है, ठीक है। कॉपी में बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं बुआ, ठीक है, अभी रिविजन करा रहे हैं सिर्फ। अब आइए, अच्छा यह बात है, यह भैया देखा हो आगोइलस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अपन लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेनली हम बताए थे चार, बट तीन मेनली होता है, चार भी समझ लो। देखो एक है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दूसरा है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, तीसरा है कंडेंस फॉर्मूला, ऐसे समझो। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है समझिए, जैसे मान लो C5H12 एंड दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है याद रखना है, कार्बन जो बनाता है चार बॉन्ड, नाइट्रोजन जो बनाता है तीन बॉन्ड, ऑक्सीजन जो बनाता है दो बॉन्ड, हाइड्रोजन बनाता है एक बॉन्ड, हैलोजन बनाता है एक बॉन्ड, ये बॉन्ड के याद रखना, ठीक है। यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, हाइड्रोजन चिपका दीजिए, एच 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 एच, ठीक है। तो बच्चा अब आप इसको ऐसे लिख दो, सी एच थ्री, इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन था, अगला कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब बउआ इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब बउआ इसमें से आप क्या कीजिए, का बॉन्ड हटा दीजिए, CH3, CH2, 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 CH3 बॉन्ड हटा दिए, इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, ये कंडेंस फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। और आप बताइए स्प्रिंग बनाना, स्प्रिंग ऐसे
कार्बन 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 स्प्रिंग। मैट्रिक में बचपन में चीज की चीज को लेंगे, एक स्प्रिंग बनाइए, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। मतलब हाइड्रोजन दिखे, कार्बन दिखे, बॉन्ड दिखे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बॉन्ड हटा दो, कंडेंस फॉर्मूला, चिस्की चिस्की रहेगा उसी को हम कहते हैं कौन सी, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, एकदम समझ लो। अच्छा ऐसे समझो आप, अब आप बताओ मुझे ये कौन सा फॉर्मूला है, जल्दी बताओ। सर ये तो कार्बन दिख ही नहीं रहा सर, तो ये बॉन्ड लाइन है। कौन है बच्चों, बॉन्ड लाइन। ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, इसको जूम कर दीजिए, सी 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 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन पूरा दीजिए, बॉन्ड एच 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 एच। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर के रूप में आ गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी एच टू 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 सी एच टू। अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा भाई ये क्या है, आप फिर बोलोगे सर ये तो बॉन्ड लाइन है, फिर इसको कन्वर्ट कर देना, सी 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 अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं, फिर यहाँ हाइड्रोजन दे दो, एच 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 एच। ठीक है, कन्वर्ट करना सीखना है, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच। जल्दी से बताइए ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा रूप है, ये वाला कौन सा रूप है, जल्दी बताइए, सी सी एच थ्री का होल फोर कौन सा रूप है, जल्दी बताइए। नहीं स्मार्ट स्मार्ट कुछ नहीं है ये लाइट का कमाल है, स्मार्ट नहीं है बाबू, ये लाइटिंग का कमाल है। बताइए ये कौन सा फॉर्मूला है बाबू, जल्दी बताइए बुआ। फोर्थ का नाम है वेज डैश फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, वेज डैश फॉर्मूला, वो आइसोमेरिज्म में आएगा। चलिए कंडेंस कंडेंस कंडेंस, बिल्कुल यहाँ बॉन्ड गायब है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कंडेंस फॉर्मूला है, वेरी गुड। ये कौन सा है भैया, ये बताओ तो कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, जल्दी बताइए कौन सा है, कंडेंस है, सुपर कंडेंस है, वेरी गुड, ये सुपर कंडेंस है, वही ये पहचान कर लेना है बस। अच्छा ये बताओ तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला कौन सा, जल्दी बताओ, स्वास्तिक, जल्दी बताओ स्वास्तिक कौन सा है, एल स्वास्तिक स्वास्तिक बॉन्ड लाइन। चलो अच्छी बात है, अब आते हैं अगला टॉपिक पे। ओह अब हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, आंख है। देखिए जब तक आपके पास तपेंगे नहीं, जब तक आप तपिएगा नहीं, जलिएगा नहीं, कुछ भी कर ले मेरे प्यारे भाई, सफलता नहीं मिलेगा। तपने के बाद ही सफलता मिलता है। अगर जो चीज आसानी से मिल जाता है, कैसे मान लो सपोज डर कोई लड़का किसी को पाने के लिए बड़ी शिद्दत से पीछा करता, मत करो पीछा, ऐसा बनो कि कोई आपका पीछा करे। अब एक ही चीज है जिसमें आपका सबसे पहला इस चेहरा स्मार्टनेस नहीं दिखाता, आपके पढ़ाई में स्मार्टनेस होना चाहिए, फिर देखो ना भैया लाइन लग जाएगा। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर रहे हैं। समझना ध्यान से बच्चा लोग, देखो डिग्री ऑफ कार्बन, पहला बात समझो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। डिग्री ऑफ कार्बन इसको ऐसे समझाते हैं आपको, तड़पता है। देखिए मान लो ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, कितने ये कितना आदमी से जुड़ा हुआ, ये सिर्फ एक आदमी से जुड़ा हुआ, ये वन डिग्री और ये भी वन डिग्री। अब देखो एक गुलाबी आ गया, गुलाबो देखो ध्यान से, देखिए सुखदेव भाई के बचवा दुखदेव भाई नहीं पढ़ रहे हैं, इनका मतलब वो दुखदेव है, वो दुख देता है। अब ये जो पीला वाला है वो कै कार्बन से घिरा हुआ है, सर दो कार्बन है, एक का एक दो, तो ये पीला वाला टू डिग्री होगा और ये होगा वन डिग्री, ये भी होगा वन डिग्री। अब बताओ यहाँ पे फिरोजी कलर भी लिया है, आसमानी कलर इसको बोलते हैं। अब बताओ ये गुलाबी कैगो से घिरा है, तो गुलाबी जो टच में होगा उसी को काउंट करना है, इसको मत नारंगी को मत काउंट करना, तो गुलाबी के बगल में एक ये है एक ये है, ठीक है। अब बताओ ये पीला वाला जो है, ध्यान सुनना, ये जो है ये वाला पोर्शन गुलाबी है, गुलाबी को बीच में कर देता हूँ ज़्यादा समझ में आएगा। अब बताओ बच्चों ये गुलाबी कैगो के टच में है, गुलाबी एक दो तीन, इसका मतलब वो तीन डिग्री है, क्या डिग्री है, तीन डिग्री है। समझो ऐसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, समझना अच्छे से, ये कार्बन क्या हो के टच में एक वन डिग्री और ये भी क्या है वन डिग्री है, ध्यान सुनना, ये कार्बन है कार्बन है कार्बन है, समझिएगा, ये क्या हो के टच में है, सॉरी इसके टच में सिर्फ है तो ये वन डिग्री, ये किसके टच में है, सिर्फ इसके टच में, ये वन डिग्री, और ये भाई साहब किसके टच में है, इसके टच में भी है, इसके टच में भी है, क्या डिग्री हो गया, टू डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहां देखो, देखो अच्छे से देखो भाई, ये बताओ ये क्या डिग्री है, सर ये वन डिग्री है, क्योंकि ये भाई साहब से इससे सटा हुआ है, ये क्या डिग्री है, सर ये वन डिग्री है, ये क्या डिग्री है, और ये जो भाई साहब है ये इससे भी सटा है, इससे भी सटा है, इससे भी सटा है, तो ये क्या डिग्री होगा, सर थ्री डिग्री होगा। देखो अच्छे से देखो, अच्छे से देखो भैया, अच्छे से देखो, ये रहा कार्बन 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 कार्बन। अब देखो ये कैगो से सटा हुआ है, एक, ये कैगो से है एक, ये कैगो से सिर्फ एक, ये कैगो से सिर्फ इससे है, अब ये भाई साहब कैगो से है चार, तो ये क्या डिग्री हो गया, फोर डिग्री। मैं बताया था अगर एक कार्बन एटम एक के टच में होगा वन डिग्री, एक कार्बन एटम दो अलग कार्बन से टच में होगा टू डिग्री, एक कार्बन एटम तीन अलग कार्बन के टच में होगा थ्री डिग्री, एक कार्बन चार कार्बन के टच में होगा फोर डिग्री। अब जल्दी से ऐसे क्वेश्चन को देखा, समझिएगा ध्यान से, देखिए एक क्या डिग्री है, सर वन डिग्री है, ई क्या डिग्री है, तो एगो एन डे एगो एन ए, क्या डिग्री है, टू डिग्री है, ई क्या डिग्री है, तो एगो एन ए एगो एन ए, एगो एन ए, तो क्या डिग्री है, तीन डिग्री है, ई क्या डिग्री है, एगो एन ए एगो एन ए एगो ऊपर, तीन डिग्री है, ई क्या डिग्री है, तीन डिग्री है, ई क्या डिग्री है, वन डिग्री है, ई क्या डिग्री है, टू डिग्री है, ई क्या डिग्री है, वन डिग्री है, ई क्या डिग्री है, वन डिग्री है, ई क्या डिग्री है, वन डिग्री। अब बताइए तो ई क्या डिग्री है बउआ, बताइए जल्दी क्या डिग्री है, तो सर ये वन डिग्री है, आपने कहा था एक कार्बन एटम एक अलग कार्बन एटम, तो ये कार्बन सिर्फ एक ही से जुड़ा, ये बॉन्ड तीन को देख के मत बोल देना तीन कार्बन है, यहाँ कार्बन क्या गो है, सिर्फ एक ही कार्बन है। अच्छा ये बताओ ये कितना डिग्री है, सर ये भी वन डिग्री है और ये भी क्या है, वन डिग्री है। सर अब मैं नहीं कन्फ्यूज होंगे सर, ठीक है, अच्छा नहीं कन्फ्यूज होंगे आप, चलो हम कोशिश करते हैं, देते हैं क्वेश्चन कुछ, देखो ध्यान से, अब बताइए आराम से देखो, ये कार्बन है, एक कार्बन है ना, एक कार्बन, एक टू डिग्री है, ये भी टू डिग्री है, ये भी टू डिग्री है, ये भी टू डिग्री है,
टू डिग्री है, लेकिन ये क्या डिग्री है? तो एक ने, ये तीन डिग्री है। ये क्या डिग्री है? सर ये तीन डिग्री है, ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन, वन डिग्री, टू डिग्री। अगर एक कार्बन एटम एक से सटा होगा वन डिग्री, एक कार्बन एटम दो अलग अलग कार्बन से होगा टू डिग्री, एक कार्बन एटम तीन अलग कार्बन के टच में होगा तीन डिग्री, एक कार्बन चार अलग के होगा तो फोर डिग्री, ठीक है। चलिए अब आते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, एकदम आराम से समझिएगा। पर ये बताइए ये क्या डिग्री कार्बन है, जल्दी बता दो। ये बताओ ये क्या डिग्री है, ये बताओ ये क्या डिग्री, आराम से देखना ध्यान से, एक बार में समझ में आ जाएगा बच्चों, एक बार में ही आ जाएगा। ये वन डिग्री कार्बन है, ये भी वन डिग्री कार्बन है, ठीक है। ये वन डिग्री कार्बन है, ये टू डिग्री कार्बन है, ये वन 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 डिग्री कार्बन है, ये थ्री डिग्री कार्बन है। सर आप डिग्री पढ़ा रहे हो हाइड्रोजन और आप तो बता रहे हो कार्बन, आप पढ़ा रहे हो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अरे रुको यार, रुको जरा, समझो यार। अब यहां पर देखो, इसको पूरा करने के लिए क्या वो हाइड्रोजन डालना पड़ेगा, तीन चार बॉन्ड बन गए। अब यहां वन डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको कहेंगे वन डिग्री हाइड्रोजन। वन डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन रहेगा उसे वन डिग्री हाइड्रोजन, टू डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, टू डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन रहेगा इसका नाम होगा टू डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। और तीन डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन रहेगा उसका नाम होगा तीन डिग्री हाइड्रोजन। क्या बात है सर, फिर से वन डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वन डिग्री हाइड्रोजन, टू डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा टू डिग्री। अब ये बताइए था आराम से, CH3, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वन डिग्री कार्बन पर। अब आपको बताना है इसमें वन डिग्री हाइड्रोजन का वो है, टू डिग्री हाइड्रोजन का वो है, थ्री डिग्री हाइड्रोजन का वो है, फोर डिग्री हाइड्रोजन का वो। फिर से वन डिग्री कार्बन पर, तो पहले डिग्री पहचानो ना भाई, डिग्री पहचानो पहले, डिग्री पहचानो पहले, फिर आगे बढ़ना। लो यार टूट भी गया यार, चलो डिग्री पहचानते हैं पहले। वन डिग्री कार्बन, वन डिग्री कार्बन, वन डिग्री कार्बन, वन डिग्री, एंड दिस इज द फोर डिग्री कार्बन। अब यहाँ वन डिग्री पर तीन को ई हो गया, तीन छः, तीन नौ, तीन बारह, वन डिग्री हाइड्रोजन का हो गया बारह। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, टू डिग्री कार्बन वहाँ है ही नहीं, तो क्या हाइड्रोजन चेक करें यार, है ही नहीं। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ एल्कोहल, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ठीक है समझिए, ये वन डिग्री है, ये भी वन डिग्री है, ये वन डिग्री है, ये भी वन डिग्री, और ये टू डिग्री है। वन डिग्री है, वन डिग्री है, वन डिग्री, और ये क्या है, थ्री डिग्री है। सुनिएगा ध्यान से, अब पहले अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, OH, ध्यान सुनना। तो अगर वन डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन है तो वन डिग्री हाइड्रोजन, अगर वन डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन है, वन डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन है तो क्या है, वन डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। वन डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन है तो वन डिग्री हाइड्रोजन, टू डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन है टू डिग्री हाइड्रोजन, थ्री डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन है थ्री डिग्री हाइड्रोजन। सेम बात, वन डिग्री पर आप अल्कोहल लगा दो, क्या लगा दो, अल्कोहल, इसका नाम होगा वन डिग्री अल्कोहल। क्या बात है सर, टू डिग्री कार्बन पर अल्कोहल लगा दो, ये होगा टू डिग्री अल्कोहल, और तीन डिग्री कार्बन पर अल्कोहल लगा दो, ये हो जाएगा थ्री डिग्री अल्कोहल। बोलिए कोई दिक्कत है, वन डिग्री कार्बन पर अल्कोहल लगा दो, वन डिग्री अल्कोहल, टू डिग्री कार्बन पर अल्कोहल लगा दो, टू डिग्री अल्कोहल, थ्री डिग्री कार्बन पर अल्कोहल लगा दो,
थ्री डिग्री एल्कोहल, सेम टू सेम चल रहा है। वन डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन है, वन डिग्री हाइड्रोजन, टू डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन है, टू डिग्री हाइड्रोजन, थ्री डिग्री कार्बन। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, कुछ क्वेश्चन करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। देखो, अगर मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा बताओ डिग्री क्या है, तो एल्कोहल यहीं पर चिपका हुआ है, तो ये क्या कारण से चिपका, एक तो ये वन डिग्री हुआ, इसका मतलब ये क्या डिग्री है, वन डिग्री एल्कोहल है। एल्कोहल यहाँ चिपका हुआ तो इस कार्बन पर दिमाग लगाओ, एक वो कार्बन एन ए है, एक कार्बन तो टू डिग्री कार्बन है, इसका मतलब ये टू डिग्री एल्कोहल है। इस कार्बन पर दिमाग लगाओ क्योंकि एल्कोहल यहाँ है। अब एक वो कार्बन एन ए है, एक वो एन ए है, एक वो एन ए है, इसका मतलब तीन डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, तीन डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। एकदम आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब देखिए डिग्री ऑफ हैलाइड क्या होता है, समझते हैं पहले डिग्री ऑफ हैलाइड, ठीक है, क्या होता है। देखिए बच्चा लोग, सबसे पहला बात, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ठीक है। देखो ये क्या डिग्री है, सर वन डिग्री है, ये क्या डिग्री है, सर वन डिग्री है, ये क्या डिग्री है, वन डिग्री है, भाई ये क्या डिग्री है, वन डिग्री है। अब ये कितना डिग्री है, दो डिग्री है, ये क्या डिग्री है, वन डिग्री, ये क्या डिग्री है, वन डिग्री, ये क्या डिग्री है, वन डिग्री, और ये कितना है, तीन डिग्री, ठीक है। तो बच्चा आप सब जानते हो क्या, सर वन डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन है, वन डिग्री हाइड्रोजन, वन डिग्री कार्बन, टू डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन है, टू डिग्री हाइड्रोजन, तीन डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन है, तीन डिग्री हाइड्रोजन। उसी प्रकार वन डिग्री कार्बन पर एल्कोहल है, वन डिग्री एल्कोहल, टू डिग्री कार्बन पर एल्कोहल है, टू डिग्री एल्कोहल, थ्री डिग्री कार्बन पर एल्कोहल है, थ्री डिग्री एल्कोहल। हैलाइड का मतलब क्या होता है, एक्स, एक्स फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ नहीं करना है, वन डिग्री पर हैलोजन लगा दो, इसी को कहेंगे वन डिग्री हैलाइड। टू डिग्री पर लगा दो, टू डिग्री हैलाइड, सिंपल लॉजिक चल रहा है हैलाइड। और तीन डिग्री पर हैलोजन लगा दो, ये क्या हो जाएगा, थ्री डिग्री हैलाइड, सेम टू सेम हैलाइड। वन डिग्री कार्बन पर हैलोजन लगा दीजिए, वन डिग्री हैलाइड, टू डिग्री पर लगा दीजिए, टू डिग्री हैलाइड, तीन डिग्री पर लगा दीजिए, थ्री डिग्री हैलाइड, ठीक है। अब मान लो हम ऐसा क्वेश्चन दिए सीएल, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, अब दिमाग लगाना हैलोजन जिस कार्बन पर थे, इसी कार्बन पर है, तो ये वन डिग्री है, तो वन डिग्री हो गया, ये एगो इधर है, एगो इधर है, तो टू डिग्री है। इस कार्बन पर दिमाग लगाओ, एगो एन ए, एगो एन ए, एगो एन ए, तो ये तीन डिग्री है, वो दिखते नहीं है, ठीक है। चलिए, एंड लास्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ अमाइंस, डिग्री ऑफ अमाइंस, ठीक है, डिग्री ऑफ अमाइन। देखिए सबसे पहला बात, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, तीन बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है सात, 2.5, तो 5 को में तीन वो बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बढ़िया से, वन डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन है, वन डिग्री हाइड्रोजन, टू डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन है, टू डिग्री हाइड्रोजन, तीन डिग्री हाइड्रोजन कार्बन पर हाइड्रोजन है, तीन डिग्री हाइड्रोजन, वन डिग्री कार्बन पर, वन डिग्री कार्बन पर अगर एल्कोहल है, वन डिग्री एल्कोहल, टू डिग्री कार्बन पर एल्कोहल है, टू डिग्री एल्कोहल, तीन डिग्री कार्बन पर एल्कोहल है, तीन डिग्री एल्कोहल, वन डिग्री कार्बन पर हैलाइड है, वन डिग्री हैलाइड, टू डिग्री कार्बन पर हैलाइड है, टू डिग्री हैलाइड, तीन डिग्री कार्बन पर हैलाइड है, थ्री डिग्री हैलाइड। अब नाइट्रोजन में कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, देखो नाइट्रोजन के पास तीन साइड है, नाइट्रोजन के पास तीन साइड है, नाइट्रोजन के पास तीन साइड है, तीन वो फ्री बॉन्ड है। अगर कार्बन एक साइड जुड़ा रहे और दो का हाइड्रोजन रहे, तो इसी को कहेंगे वन डिग्री अमाइन। अगर दो साइड कार्बन रहे
एक साइड इधर, एक साइड इधर, इसको क्या बोलेंगे? 2 degree amines. अब अगर तीनों साइड कार्बन रहे, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तो 3 degree amine, 3 degree amines, ठीक है? तो आप हमको बताइए ये कौन डिग्री है? आराम से, अगर नाइट्रोजन के एक साइड पर कार्बन हो, एक साइड पर 1 degree, टू साइड पर कार्बन हो 2 degree, तीन साइड पर हो 3 degree, तो बताइए तो ये कौन सा डिग्री है? आराम से बताइएगा. देखिए दो गो हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास कुल 3 गो बॉन्डे है, जिनमें 2 गो पत्ता हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये 1 degree है, ऐसे समझिएगा, ठीक है? अच्छा, बहुत होशियार बनते हो, बहुत होशियार बनते हो आप लोग. ये बताओ तो कई डिग्री है, बड़े तेज बनते हो. तो CH3 का होल 3N, अब देखिए कैसे बनाओगे. तो N CH3 का वो CH3 है 3 गो. अब बताइए कई डिग्री है? 1 degree, 2 degree, 3 degree. सर ये 3 degree है. अच्छा, बड़ी तेज बनते हो. नहीं, ये बताइए तो कई डिग्री है? बताइए तो कई डिग्री है? सर NH2 लिखे हैं, तो एक मतलब एक ही को साइड है, दो को साइड था हाइड्रोजन ले लिया है. अच्छा, तो ये 1 degree होगा सर. अब आप बेवकूफ ना बनाइए हमको, हमको मालूम हो गया, ठीक है, हम जानते हैं. तो 1 degree amine मतलब नाइट्रोजन के वन साइड कार्बन, 2 degree amine का मतलब नाइट्रोजन के टू साइड कार्बन, 3 degree amine का मतलब नाइट्रोजन के तीन साइड कार्बन. क्वार्टनरी क्या है? एक ही केस में यह 4 गो बनाता है. इसका नाम है अमोनियम. क्या नाम है बच्चों? अमोनियम. अब यहाँ नाइट्रोजन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? 4 गो. लेकिन तब जुड़ा है जब यहाँ पर कौन चार्ज है? प्लस चार्ज है. अगर इस प्लस को हटा दीजिएगा तो फिर ये गलत हो, फिर नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा. तो अब बताइए नाइट्रोजन पर 4 साइड से कार्बन डालना, लेकिन इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर क्या डालना पड़ेगा? प्लस. अगर प्लस ना डालिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन 4 गो हाइड्रोजन से तभी अटैच होता है जब उस पर प्लस चार्ज होगा, अमोनियम. तो हाइड्रोजन हटाते गए हैं और कार्बन को जोड़ते गए, ठीक है? बताइए बच्चा लोग. हाँ, नींद आ रहा है, सो जा. हाँ, तो बच्चा लोग बताइए क्या दिक्कत है. ये था आपका बेसिक का कंप्लीट रिवीजन, ठीक है? अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं कॉपी में, सबकी प्रैक्टिस कीजिए. अगर डाउट होता है तो कल बैच में ज़रूर बताइएगा, फिर से क्लास दिया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में. आज के लिए बच्चा लोग बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर. गला में पेन हो रहा है, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ. आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर.